नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लड़के और लड़की की शादी में अगर विलय होती है तो बहुत से लड़के और लड़की के माँ बाप यह सोचते हैं कि हमारे लड़के या लड़की में कोई भी कमी नहीं है, तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही है? कहीं हमारे लड़के और लड़की की शादी में कोई बंदिश तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है? मतलब यह है कि किसी ने कोई तांत्रिक तो नहीं करके रखा हुआ है? अगर दोस्तों आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं तो आज मैं आपको इसका एक बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, जो उपाय आपको गुप्त रखकर करनी है। दोस्तों, आपको किसी भी शनिवार को एक पुराना ताला लेना है। वह ताला खुला हुआ ताला होना चाहिए और उस खुले हुए ताले में जहाँ पर आप चाबी फंसाते हैं वहाँ पर एक लौंग फंसा दीजिए। उसके बाद इस ताले को जिसका शादी बंधा हुआ है, जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज मतलब जैसी घड़ी घूमती है उसी तरह 7 बार सिर के ऊपर से घुमा देना है। फिर इस ताले को किसी चौराहे पर जाकर रख दीजिए। यह काम आपको चुपके से करना है, किसी को बताना भी नहीं है। यह एकदम गुप्त उपाय है। फिर चौराहे पर रखने के बाद 7 कदम पीछे हटना है और फिर राइट टर्न लेकर आपके घर की तरफ वापस आना है। घर में आने के बाद आपको वापस ऐसे ही नहीं घुटना है, आपको सबसे पहले हाथ धोना है, उसके बाद आपको घर में प्रवेश करना है। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत ही गुप्त उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। जितने भी जबरदस्त तांत्रिक क्रिया आपके बेटे या बेटी पर किया हुआ हो, सब के सब दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके बेटे या बेटी की शादी बंधी हुई है, तो दोस्तों यह उपाय जरूर करें, इसमें आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये उपाय अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।